हेलो दोस्तों, मैं अमन पाटीदार खेती बाड़ी एक्स वाई जेड में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की चर्चा हमारी प्याज के ऊपर है कि प्याज का भाव अक्टूबर और नवंबर में क्या देखने को मिल सकता है। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही आपको खबर देते रहेंगे प्याज के बारे में और खेती बाड़ी के बारे में। दोस्तों, जो आगे हमारा अक्टूबर नवंबर में प्याज का भाव बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इस पर क्योंकि हमने इस पर रिसर्च की है, क्योंकि अलवर और केरल में कहीं ना कहीं इस बार फसल कम है, इसी कारण से प्याज का भाव ज़्यादा बढ़ेगा। और सरकार को कहीं ना कहीं भनक लग गई थी, इसलिए उसने 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी अभी से लगा दी गई है, क्योंकि पता है सरकार को कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने के बाद भी भाव बढ़ेगा, इसलिए एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है। और जल्दी से जल्दी एक्सपोर्ट ड्यूटी उसको हटानी पड़ेगी और फिर से भाव कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा आक्रोश में महाराष्ट्र के किसान हैं। और महाराष्ट्र के किसान का आक्रोश देखकर मध्य प्रदेश के किसान को भी जागना होगा और इंदौर मंडी में बहुत आवक हो गई है, उसको कम करनी होगी। दोस्तों, आज इंदौर मंडी में 1 लाख के पार आवक है। अभी मध्य प्रदेश में रतलाम में 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी के लेकर धरना दे रहे हैं किसान और रैलियाँ निकाल रहे हैं। इसी प्रकार इंदौर में भी धरना देना पड़ेगा और कलेक्टर को आदेश देना पड़ेगा, पत्र लिखना पड़ेगा 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाने के लिए। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इतना प्याज अभी मंडी में ना ले जाएं और 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी को कहीं ना कहीं कम करवाएं। दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।